जो व्यापार वो कर रहे थे उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। ये DM SP नहीं, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार के इशारे पे जब DM SP से आप गलत काम कराओगे, जब DM SP से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे। इसीलिए ना SSP सस्पेंड हुए, ना DM सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से FIR ना हो उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा। इसे जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है। ये लोग उन्नाव भी रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे CBI जांच हो, क्योंकि परिवार ने CBI जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए। और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें Class 2 या Class 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। सर, कानपुर में ये दूसरी घटना है, संजीत अपहरण हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही से जांच के मौत हुई थी, उसके बाद जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए।